मीना रोज मतदान थवानुं छे, जेमां 96 लोकसभा बैठक पर चूंटणी योजाशे, जेमां 10 राज्योमां चूंटणीनो माहोल जामशे। એમાંનું એક રાજ્ય એટલે મધ્યપ્રદેશ। ચોથા તબક્કામાં મધ્યપ્રદેશની 8 બેઠકો માટે મતદાન થવાનું છે। આવો જાણીએ ઉજ્જૈનના મતદારો શું માની રહ્યા છે, શું આ વખતે બીજેપી ફરીવાર બાજી મારશે કે પછી તખ્તાપલટ થશે। ઉજ્જૈન નગરી બાબા મહાકાલની નગરી અને ત્યાં શિપ્રા નદીનું પણ એક મહત્વ છે। માનવામાં આવે છે કે શિપ્રા નદીમાં જે આવે છે તેને મોક્ષ માટે શિપ્રા નદી અહીંયા પ્રખ્યાત છે। જ્યારે રાજા દશરથ હતા, રાજા દશરથનું પિંડદાન અહીંયા થયું હતું, એટલે અહીંયા પિંડદાન કરવાથી મોક્ષ થાય છે। આ ઉજ્જૈન નગરીમાં લોકોનો પણ શું મિજાજ છે તે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। અંકલ, આપ કહાં સે આ રહે હૈ? જબલપુર, મધ્યપ્રદેશ। મધ્યપ્રદેશ સે આપ આ રહે છે, યે બતાઈએ ઇસ બાર યહાં પે જો પોલિટિકલ હવા હૈ વો કિસકી તરફ? ये सब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, आपको क्यों लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी आएगी? जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक विकास, जो विकास हुआ है वो 10 सालों में हुआ है, जो मोदी के शासन काल में इतना विकास कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप भी थोड़ा बता दीजिए कि इस बार बाबा महाकाल आपको क्या लग रहा है, किस पक्ष को, किस नेता को आशीर्वाद देंगे? मोदी को। मोदी को देंगे, क्या वजह है? मोदी सबसे विकास में है, सबसे ज्यादा तेज मोदी ही, मोदी ही हमको पसंद है। चलिए, युवा भी है, परिवार ही है, आपकी राय सेम है कि डिफर हो रही है? सेम ही है, सेम ही है। इस बार भी बीजेपी, मोदी सरकार। क्यों लग रहा है कि इस बार थर्ड टाइम भी बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? आखिर अगर हम देश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो क्या यहाँ पे नई चीजें हुई है? आप देखते ही जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो एक हिंदू राष्ट्र का जो लोगों में एक जो एक मोटिवेशन आया है लोगों को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, और एक जागृति आई है, तो एक ये भी एक रीज़न है। राम मंदिर का अपना जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका उद्घाटन हुआ, वो भी स्टार्ट हुआ, तो वो भी एक रीज़न है। बाकी ये कि लाइक वी हैव सीन लॉट्स ऑफ चेंजेस सिंस बीजेपी हैज़ टुक द कमांड, सो दिस इज़ द रीज़न। અહીંયા ઘણા બધા લોકોનું એવું માનવું છે કે જે બીજેપી છે, બીજેપી દ્વારા ઘણા કામ કરવામાં આવ્યા છે, આપ કહાં સે આ રહે હૈ? અભી તો હમ ઘર સે આ રહે હૈ। નહીં નહીં, મતલબ કોન સે સ્ટેટ સે હૈ? મધ્યપ્રદેશ સે હૈ, દૂસરે સ્ટેટ સે આ રહે હૈ? મધ્યપ્રદેશ સે હૈ। અચ્છા, યે બતાઈએ યહાં પે આપકો ક્યા લગ રહા હૈ, કિસકી હવા હૈ, કિસકી સરકાર હૈ ઇસ બાર બનને જા રહી હૈ? પતા નહીં, વોટિંગ કરેંગે કે નહીં કરેંગે? વોટિંગ ડાલેંગે ના। તો ક્યા લગ રહા હૈ ઇસ બાર, કોન સે પક્ષ હૈ જો ઇસ બાર અચ્છા કામ કર રહે હૈ? रूलिंग पार्टी। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कुछ दूसरे लोग? चल रहा है, बीजेपी चल रही ना। अच्छा, कारण के मैं खबर नहीं कि केम बीजेपी आवशे, पण हां बीजेपी माटे अथवा तो जे वर्तमान पार्टी छे अते काम करी रही छे ते प्रकारनी वात छे। बीजा पण કેટલા લોકો છે તેમ સાથે મે વાત કરવા પ્રયત્ન કરીશ। કિતને ટાઈમ સે આપ યહાં પે ખડે હૈ, યહીં પે આપ રોજગાર કરતે હૈ? देखिए, कुछ लोग हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं, सब रोजा छीन लिए नगर निगम वालों ने। क्या हुआ बताइए? यहाँ पे ये हुआ कि जो छोटे स्तर वाले दुकान वाले हैं ना, हाँ। वो भी इंसान है, बड़े स्तर वाले वो भी इंसान है, हाँ। तो जो यहाँ का राजा कलेक्टर साहब, हाँ। कमिश्नर साहब यहाँ का राजा है, हाँ। तो जो छोटे स्तर वाले हैं उनको क्यों नहीं लगान दे, जो बड़े स्तर वाले उनको लगान दे रहे हैं? क्या समस्या है यहाँ पे? अगर हम पॉलिटिकल बात करें, अगर हम इस बार चुनावी माहौल में अगर बात करें, तो आप लोगों के साथ इस वक्त क्या समस्या है, आपको क्या लग रहा है क्या सुधार होना चाहिए? सुधार तो हो ही नहीं रहा, सुधार बिगाड़ा ही जा रहा है, गरीबों पे अत्याचार कर ही जा रहा है, आए दिन ठेले वाले को भगा देते है, हाँ। और काम धंधे छीन लेते, हम जाए कहाँ? हम काफी समय से हमारा ये नदी देखिए, आप खुद देखिए कितनी मसला मरी, देखो कितनी सारी मसला मरी, जब से यादव जी सीएम बने नदी का कुछ उद्धार ही नहीं हुआ, और गंदगी बढ़ गई है, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है कि यहाँ पे साफ सफाई के नाम पे गरीबों को सब ठेले हटा दिएगा यहाँ से, सब जब जब तक जब कोई सब कोई नहीं आता सब यहाँ से ठेले हटा देते हैं, ले देके छोटा दुकानदार को पीस देते हैं, जो गांव आता गांव को तो कोई नहीं पीसता, धुंध को ज्यादा पीस देते हैं धंधूरे उन्हों को। आप क्या कहेंगे कि क्या यहाँ का माहौल है, किस तरह से लग रहा है कि चुनाव में नतीजे किसकी तरफ जाएंगे? एक्चुअली मैं अभी महाकाल के दर्शन करने के लिए आया हूँ बाहर राजस्थान से। अच्छा माहौल है यहाँ पे, ठीक है, अभी लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा ही करेंगे। क्योंकि लग रहा है कि सुधार, ये और इस चीज की सुधार की और जरूरत थी? सुधार में अगर देखा जाए तो अभी रोजगार के जो मौके हैं वो ज्यादा मुहैया कराए, और बाकी सब ठीक है, जो महंगाई है वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चल रहा है वो सही भी चलेगा आगे। तो
एक जे अलग अलग जगह थी जे लोको आवता होय छे तेमनी पोतानी पण एक वात होय छे ते वात पण कही रह्या छे। खास करीने जेटला पण अहींया जे मुलाकातीओ आवी रह्या छे प्रवासीओ आवी रह्या छे तेमनुं एवुं मानवुं छे के भाजप सरकार द्वारा वर्तमान समयमां सारा काम थई रह्या छे। हालांकि जे स्थानिक लोको छे जे नाना वेपारीओ छे ते સ્પષ્ટતાથી એવું માની રહ્યા છે કે મુખ્યમંત્રી તરીકે ડોક્ટર મોહન યાદવ આવ્યા ત્યારબાદ મધ્યપ્રદેશનું જે પ્રકારે કહી શકાય કે ધ્યાન રાખવું જોઈએ તે ધ્યાન નથી રાખવામાં આવતું, નાના માણસનું ધ્યાન નથી રાખવામાં આવતું અને તે કારણ છે કે તેમનામાં નારાજગી પણ છે અને તે માની રહ્યા છે કે વોટ છે તે અલગ દિશામાં જશે। કેમેરામેન દીપક સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 ઉજ્જૈન।